đây. एक 70 टच करने से एक बच गया जी। हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कमाल, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। और अभी नेक्स्ट डे है, मतलब कल हम लोग गए थे पतरातो शुभम भैया के साथ और अभी उसका नेक्स्ट डे है। और अभी अचानक से फिर प्लान बन रहा है कि एक और छोटा सा राइड करना है आईटीबीपी कैंप का। सो अभी जा रहे हैं आईटीबीपी कैंप, शुभम भैया भी है साथ में, हर्ष भी है, आर्यन शायद इस बार ना रहे और अभी लेट हो रहा है, इसलिए हम चलते चलते ही वीडियो बना रहे हैं। सो अभी जल्दी से जाते हैं, शुभम भैया लोग से मिलते हैं, उसके बाद दोबारा आईटीबीपी कैंप को टड़ा चाहिए। सो देख सकते हैं हमारी बाइक अभी पार्क है, बहुत धूल हो गया, आने के बाद राइड करने के बाद इसे वॉश करवाएंगे। कैसा है गाड़ी? तगड़ा है जी। तगड़ा है, सोच के लिए, बहुत कुछ सोच के लिए। तो अभी जा रहे हैं शुभम भैया के पास, आयुष के पास, और अभी है लालपुर में, लालपुर चौक पास। इस बाइक को चलाने में सब बता रहे हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसका पोस्चर एग्रेसिव है, थोड़ा सा हाथ रेड हो जाता है, बट सीढ़ी चाहिए तो थोड़ा सा डर सहना पड़ेगा भाई। सो गाइस, वी आर हियर विद आवर पार्टनर्स। कितना जीबी था आपका? 8। हाँ कॉल की है हमको, आर्यन चलेगा। हेलो गाइस, केवाईटीएन रेनॉक्स मलबाजी कर रहा था, बार बार इधर फाइल ट्रांसफर कर रहे थे। नहीं नहीं भाई, इसका इसका एसडी कार्ड खाली करना पड़ता है ना, खाली करके दोबारा है। तो शुभम भैया चला रहे अपनी 250 BS4, देखने पर लगता है BS6 बट है BS4। और अभी हम लोग जा रहे हैं काके वाले रूट पर, जो काके से होकर ही हमें जाना है आईटीबीपी कैंप। अरे भाई, और हर्ष अपने बोकारो को निकल जाएगा कि उसने बैग कैरी किया हुआ है, और हम लोग दोबारा वापस रांची आ जाएंगे। मुझे भी घर जाना है रामगढ़, क्योंकि बहुत दिन से घर नहीं गए, बट एग्ज़ाम है मेरा, एग्ज़ाम दे कर ही जाना है। और इस बाइक को लेने के बाद इतना पब्लिक रिएक्शन आता है ना, क्या बोले। रांची में तो बहुत कुछ जानता है कि इस बारे में कि ये बाइक है कौन सा पाती है सीजन, बट रामगढ़ में बहुत कुछ नहीं पहचानते, तो रामगढ़ में रिएक्शन ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू रांची। तो महंग भैया यहाँ हैं, बड़े गुरु जी कैसे हैं? तो क्या दिक्कत नहीं, ब्लॉग करना ज़रूरी है।
Oh God. Huh? तो ये है आईटी पे जाने वाला रास्ता। अभी मैं रिंग रोड में देखा कितना हार्ड रश हुआ। आई होप वीडियो चल रहा है, मजा आ रहा है। हाँ तो हल्का है ना, BS4 है ना, इसीलिए पॉप पॉप। किसको? हमको हमको जाते बहुत आगे थे, बोले रुको लगाते हैं। जाते वक्त देखा जाए, हो जाए ड्रैग। ये नज़ारा देख सकते हैं, ITBP कैंप किसी को कहते हैं। एक्चुअली ITBP जो है डिफेंस लाइन एजेंसी का कैंप है। हाई कितना भी लगेगा हम नहीं करते हैं तो कहना मत, तो जाना नहीं। घर वाला अगर देख रहा होगा तो नज़ारा बहुत प्यारा है। अगर शाम को आएंगे तो फिर और अच्छा लगता है, या फिर पूरे दिन में। हम लोग आए हैं लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर के वक्त, तो अच्छा सा लोकेशन देखकर अभी वहां पर रुकेंगे। थोड़ा सा रील शूट करना है हमें। ओ माय गॉड, ऑफ रोडिंग चोला, आज ये भी हो जाए। KGF वाला सीन लग रहा है देख कर। लद्दाख ना, लद्दाख वाला फील है, साइड साइड में सही रहता है। तो अपने ग्रुप में 3 Apache R310 आ चुकी है और चाहते हैं एक और है मीकू भैया की रेड वाली, चाहते हैं कि अपने ग्रुप में और 310 आए। जब ज़्यादा ग्रुप में सेम बाइक रहता है थोड़ा देख कर अच्छा लगता है। तो मयंक भैया की R3 तो सबसे यूनिक पीस है, इसे तो कभी चेंज करना नहीं है। बट मयंक भैया बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर 2023 में हो सके एक सुपर बाइक लिए। ये भी इनकी सुपर बाइक ही है, ट्विन सिलेंडर, बट अब इनलाइन 4 की बारी है। तो नेक्स्ट ईयर आप सभी को हो सके 2 सुपर बाइक देखने को मिलेगा हमारे ग्रुप में। और उम्मीद सिर्फ 2 भैया से है, एक तो मयंक भैया और एक है प्रांजल भैया। प्रांजल भैया अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर मेरा उम्मीद का कायम रहिएगा। और इस कैमरे का बैटरी भी बहुत लो है, क्योंकि चार्ज किए नहीं थे कल राइड करने के बाद, और इंस्टेंट प्लान बना सुबह तो फिर चार्ज कर भी नहीं पाए। पर फिर भी आई होप यहाँ तक तो वीडियो सफल है। जो नज़ारा दिखाना था ITBP कैंप पर दिखा चुके हैं। इसके आगे अगर मेरा कैमरा काम नहीं करेगा तो फिर फोन है ही। इधर जाना है, चलिए। शुभम भैया कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें, रोड करवाते करवाते। सबसे पीछे मैं हूँ तो मुझे धूल ही मिल रहा है। कैसा है नज़ारा? पूरा धूल 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 धूम धूम धूल धूल। ये रहेगा थंबनेल।
ये बॉय स्मार्ट लगता है, शरीफ शरीफ क्यूट चेहरा है। बच्चों ने बहुत क्यूट होंगे आप। हाँ गोलू मोलू देख लिया यहाँ का नज़ारा। जो टाइम था स्पेंड कर लिया, चिल आउट हो गया, आप सीधा निकलना दोबारा रिंग रोड होते हुए घर को। और हर्ष है वो जाएगा उसे के बोकारो को। और हर्ष आयुष हमारे साथ है, शुभम भी अभी जाएंगे रांची और मयंक भी अभी, बस हर्ष है जो चला जाएगा बोकारो। कब आएगा दोबारा? छुट्टी के बाद गाइस प्लान बनाते हैं कभी नेत्रहाट का। चला जाए बहुत ही मस्त नज़ारा है भाई, कभी आना चाहिए आप लोगों को। क्या लगता है भाई फिल्टर ने, फिल्टर जैसा बल्कि गाड़ी कोई है ही नहीं, इसलिए इसको परचेस किए हैं। बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और फाइनली अपने पास फिल्टर है। एक वक्त था जब देखते थे कि फिल्टर चलता है तो भाई इसको निकाल के रख लो, निकाल लो अलकार। हाँ चला जाए, चला जाए, चला जाए। हार्ड हमको लगा तेरा कैमरा खुल जाएगा। 164 घूम जैसा लगता है ना हेलमेट पहनने के बाद। हाँ मेरा भी 164 इसमें था, 161 उसका लिमिट तोड़ दिया आज हैवी ना। हाँ अरे बेटा 169 टॉप इसमें 161 था।
और माँ कसम 169 चल रही है। 170 टच करने से एक बच गया जी। किधर से जाएगा तुम? इधर से ना आएंगे बोकारो है ना, मिलते हैं फिर। अब कब आना है? जनवरी में। ये था आज का ब्लॉग, नॉर्मल ब्लॉग। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। अभी थोड़ा ड्यू का मजा लेने वाले हैं। चलिए लौड़ा बाग छाट, उसको बाद में लगाएंगे चश्मा। रुको।